ग्रेटर नोएडा में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। दरअसल घर में घुसकर दबंगों ने कई राउंड फायरिंग की। आधा दर्जन से ज्यादा दबंगों ने जमकर मारपीट की है। दबंगों के हमले से कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। ग्रेटर नोएडा में दबंगों के हौसले किस कदर बुलंद है आप तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, जहां बेखौफ बेधड़क बिना डरे एक घर में दाखिल होते हैं और कई राउंड घर में घुसकर फायरिंग करते हुए दबंग नजर आते हैं। बताया जा रहा है कि आधा दर्जन से ज्यादा दबंग थे जिन्होंने जमकर मारपीट भी की है और इनके हमले से कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। दिल्ली से खबर है जहां वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। राष्ट्रपति को लेटर लिखकर इच्छा मृत्यु मांगी है। पुलिस अधिकारी पर फर्जी मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया है और इसके बाद इससे परेशान होकर इच्छा मृत्यु की मांग जितेंद्र त्यागी ने की है। दिल्ली से यह बड़ी खबर, वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी ने इच्छा मृत्यु की मांग की है और इसके लिए राष्ट्रपति को लेटर लिखा है। सनातन धर्म के लोगों के खिलाफ नाजायज साजिश करते हैं लेकिन हालात बस से बदतर हो गए। मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमों में चार्जशीटें भेजी जा रही हैं। चौक से भेजी गई थाना, चौक से भेजी गई थाना, शहादतगंज से भेजी गई। अब तो महमूद पे गैर जमानती वारंट लेकर मेरे घरों की कुर्की की नौबत आ गई है। मैंने बहुत दुखी मन से देश के राष्ट्रपति महोदया से अपील की है, इच्छा मृत्यु के लिए पत्र लिखा है कि मुझे अनुमति दी जाए क्योंकि मैं बहुत डिप्रेशन में हूं, रोज एक कदम अपनी सुसाइड की तरफ बढ़ रहा हूं। और गाजियाबाद में गाड़ी पर डांस करते हुए युवक नजर आया, स्टंट करते हुए दिखाई दे रहा है। दरअसल शीशे से बाहर निकलते भी नजर आया। वीडियो वायरल होने के बाद डांसवा क्षेत्र का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। गाजियाबाद में गाड़ी पर डांस स्टंट करते दिखा युवक, शीशे से बाहर झांकता हुआ और डांस करता हुआ ये युवक नजर आया।